पूछ इसलिए रही थी तिवारी जी क्योंकि जैसा सुरेश ने कहा कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है एक एक व्यक्ति की कितनी कमाई है, पहले वो एक एक व्यक्ति की कमाई नापेंगे, तोलेंगे, घर का कागज, बाग का कागज, महिला घर में कितना पैसा रखी है, कितना सोना पहनी है, सोना मंगल सूत्र में है या दादी की नथेतिया में है या कंगन में है। कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है सबकी कितनी कमाई है, सबके घर में क्या क्या पड़ा है, सबकी गिनती करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि सबकी संपत्ति ले ले ले, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस वाले बांटेंगे। अब हम भी जानते हैं कांग्रेस वालों ने एक बार किसी की संपत्ति ले ली तो मात्र अपनी जेब भरी है, गरीब तक कभी पैसा नहीं पहुंचाया है। लेकिन आज तो प्रचंड चीज हो गई है प्रमोद जी, आज कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि जिंदगी भर तो जो लूटेंगे लूटेंगे, मरने के बाद भी अगर आप अपने बच्चों को कोई संपत्ति देना चाहते हैं तो उसका 55% कांग्रेस पार्टी उठा लेगी। मतलब ना जीने देगी कांग्रेस पार्टी ना मरने देगी कांग्रेस पार्टी। अब ये बतलाइए अगर हमारे पुश्ते हमारे पुरखे हमें कोई घर छोड़ जाए, थोड़ी जमीन छोड़ जाए, बेटी का जन्म होते ही माँ अपने परिवार का जेवर बचा के रखती है कि ये मेरी माँ की देन थी, अपनी बेटी को देना चाहती हूँ, करते हैं कि नहीं करते हैं? घर में अगर नई बहू आती है तो घर की माँ कहती है कि मैं अपनी बहू के लिए बचा के रख रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए बचा रही हूँ क्या? अब आपकी बेटी और बहू के गहनों पर कांग्रेस पार्टी का अधिकार होगा? हमारी माँ हमको कुछ दे, हम अपने बच्चों को वो दे, अब कांग्रेस पार्टी का उस पे अधिकार है? ऐसा कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया है। मतलब मोदी लोगों को घर बना कर दे और कांग्रेस पार्टी कहे कि उस घर का आधा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का। मतलब अब कांग्रेस की राजनीति इस स्तर तक गिर गई है, ना जीने देगी ना मरने देगी। ये सत्य है, कोरोना में सबको मुफ्त का राशन मिला, सत्य है ना? अब कांग्रेस पार्टी कहती है मुफ्त का राशन क्यों देता है? नरेंद्र मोदी ने कहा भैया गरीब को मुफ्त का राशन मिलता है, तुम्हारा पेट उसमें क्यों दर्द होता है? हम सब जानते हैं कि अगर आज अमेठी में कांग्रेस का सांसद होता तो गरीब तक ये मुफ्त का राशन कभी नहीं पहुंचता, कांग्रेस के दलाल ही बीच में से गरीब का राशन खा जाते। सही कह रहे हैं? अमेठी ने देखा है ये सब। एक ब्लॉक में 20-25 कॉलोनी आती थी, याद है? आज अमेठी में 5 सालों में हम 1,14,000 घर बनवाए हैं मोदी सरकार से, ये भी सही है। हर गांव में शौचालय हर घर में बने हैं, ये भी सही है। अगर 5 साल में ये सब काम मैं कर पाई तो 15 साल राहुल जी क्यों नहीं किए? तिवारी जी, पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इन 5 सालों में 4 लाख गरीब घरों में हम शौचालय बनाए। मतलब एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं तो 16 लाख लोगों के लिए शौचालय बनवाए हैं। 16 लाख लोगों के पास तब शौचालय नहीं था जब राहुल गांधी सांसद थे। औरतें बैठी हैं यहाँ, महिलाओं को खुले में शौच करने में कितनी पीड़ा होती थी, कितना अपमान सहना पड़ता था, कितनी बीमारी होती थी, कितनी तकलीफ होती थी, ये महिलाएं जानती हैं। इसलिए आज आपके मध्य में ये कहने आई हूँ कि योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, ये तो तय है, लेकिन 20 तारीख को आपको अपने लिए वोट डालना है, अपनों के लिए वोट डालना है, क्योंकि शौचालय बना तो ये तभी मुमकिन हुआ जब मोदी की सरकार बनी, गरीब का घर बना तो ये तभी संभव हुआ जब मोदी की सरकार बनी, मुफ्त का राशन मिला तब तभी संभव हुआ जब मोदी की सरकार बनी। यहाँ कितने किसान भाई और बहन अपने परिवार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पाते हैं, बताइए कितने लोग पाए 6,000 रुपया पाए है ना? 15 साल राहुल गांधी यहाँ सांसद रहे, किसान के खाते में क्या कभी 6,000 रुपया आया साल का? नहीं आया ना। 5 साल से 6,000 रुपया आ रहा है तिवारी जी, मतलब 30,000 रुपये तक अब तो अमेठी के एक एक किसान को मिल चुका है।
तो आप 20 तारीख को जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, तो आने वाले 5 साल भी हर साल का 6,000 रुपया पाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। आप 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे, तो आने वाले 5 साल आप मुफ्त का राशन पाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। यहाँ कितने लोग हैं जिन लोगों ने कोरोना में टीका लगवाया? पक्का सब लगाए? सब लगाए? दो लगाए, तीन लगाए? दो। तिवारी जी ने तीन लगाए बूस्टर साथ। अब ऐसा है भैया, एक टीके की कीमत है 600 रुपया, दो टीका लगाए हैं मतलब 1200 रुपया। अब बतलाइए, क्या गरीब के पास अपने लिए टीके का 1200 रुपया था जब कोविड की महामारी थी, पूरी दुनिया में रोक लग गई थी? अगर मोदी मुफ्त का टीका नहीं देते तो गरीब की जान क्या बच सकती थी? अब ये बतलाइए, अगर अमेठी में कांग्रेस का सांसद होता तो वो गरीब को मुफ्त का टीका बटने देता? उसके दलाल बीच में ये सारा सुविधा खा जाता, लोगों को तरसाते, मौत मंडरा रही थी तब कांग्रेस का कोई नेता या कार्यकर्ता घूम रहा था? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव में था, मास्क बांटते, सैनिटाइजर बांटते, और मोदी ने हर अमेठी के नागरिक को मुफ्त का टीका भिजवाया। भिजवाया कि नहीं भिजवाया? अगर टीका लगाए हो तो कोई पूछा है तुमसे कौन जात हो, कौन धर्म हो? बिना पक्ष का देन है कि यहाँ आप, यहाँ ट्रामा सेंटर हो गया, छोटे से लेकर बड़े इलाज तक तमाम ऐसे एग्जाम्पल है, तमाम ऐसे उदाहरण है। 16 ऐसे गांव थे जिस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता तक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप उस सड़कों से जुड़ा है। कान खुश रहने हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा बेटे क्या करते हैं? उन्होंने कहा नौकरी करते हैं दीदी, अच्छा खासा कमा लेते हैं। फिर प्रमोद जी मुझे देख रहे थे कि मैं ये सब पूछ क्यों रही थी। पूछ इसलिए रही थी तिवारी जी क्योंकि जैसा सुरेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है एक एक व्यक्ति की कितनी कमाई है, पहले वो एक एक व्यक्ति की कमाई नापेंगे, तोलेंगे, घर का कागज, बाग का कागज, महिला घर में कितना पैसा रखी है, कितना सोना पहनी है, सोना मंगलसूत्र में है या दादी की नथिनिया में है या कंगन में है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है सबकी कितनी कमाई है, सबके घर में क्या क्या पड़ा है, सबकी गिनती करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि सबकी संपत्ति ले लेंगे, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस वाले बांटेंगे। अब हम भी जानते हैं कांग्रेस वालों ने एक बार किसी की संपत्ति ले ली तो मात्र अपनी जेब भरी है, गरीब तक कभी पैसा नहीं पहुंचाया है। माता की भारत माता की दीदी स्मृति रानी नरेंद्र मोदी, दीदी स्मृति रानी नरेंद्र मोदी। आज हम सबके बीच में चुनावी मेला में हम सबके लोकप्रिय दीदी स्मृति रानी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं अपने पूरे कपूरीपुर गांव की तरफ से और जगदीशपुर विधानसभा की तरफ से दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित दादा प्रमोद तिवारी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भैया दुर्गेश त्रिपाठी जी, हेमंत जी, रामेश सेठ जी उपस्थित यहाँ पर, सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों का अभिनंदन करता हूँ, हमारी देवी स्वरूप माताएं बहने आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं दीदी जी 2014 में पहली बार चुनाव लड़ने आई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था लेकिन थोड़ा सा चूक गए थे तो 14 में रह गए थे, लेकिन 19 में पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने दीदी जी के साथ खड़े होकर दीदी जी को जिताने का काम किया। लेकिन 14 से 19 के बीच का जो 5 साल का कार्यकाल था, हारने के बाद कोई क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दीदी जी हारने के बाद भी लगातार हर महीने लगभग क्षेत्र में आती रही और विकास कार्य भी कराती रही। कि जब मंदिर में लोग पूजा करते थे, अर्चना करते थे, शंख बजाते थे, लोग कहते थे कि अभी जो है हमारा पूजा का समय चल रहा है, अभी भाई आप लोग बाद में करना,
लेकिन तक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको सड़कों से जोड़ा है, छोटे से लेकर बहुत तमाम ऐसे नाली हैं, खड़ंजे हैं, इसलिए आपके यशस्वी विधायक यहाँ विराजमान हैं। मैं आग्रह करता हूँ यशस्वी विधायक जी से कि आए अपने बात रखें। उसे जाम में 2 घंटे बीत जाता था, लेकिन आज 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ दर्शन करना हो तो वहां भी 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। चिकित्सा की व्यवस्था देखिए, विद्युत की जनता ने एक बात मानी है, और दीदी स्मृति रानी अमेठी की दूसरी झांसी की रानी है। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक प्रदेश संगठन में मंत्री आदरणीय सुरेश पासी, कांग्रेस के कार्यकर्ता रावत जी को मांग रहे हैं, बीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह रहे हैं जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाघ के कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला, क्योंकि ये सत्य है कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो जगदीशपुर में ड्रामा सेंटर नहीं बनता। ये सत्य है, अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो आज एक्सप्रेसवे से अयोध्या जी ना जाते। ये सत्य है कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो हलियापुर से आज पक्का मकान पाएंगे, ये मोदी की गारंटी। आपने 15 साल राहुल गांधी को वोट देकर जिताया, और 15 साल उन्होंने गरीबों के लिए क्षेत्र में मकान नहीं बनवाया। 5 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल बटन दबाकर मुझे सांसद बनाकर मोदी की सरकार में दिल्ली भेजा, और तब से लेकर अब तक हमने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 घर बनवाए। मैंने सुरेश से कहा कि मात्र इसी ब्लॉक में लगभग 7,000 घर बनवाने का सौभाग्य 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इन 5 सालों में आपकी सांसद के नाते पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मैंने 4 लाख परिवारों को शौचालय बनवाकर दिया। प्रति परिवार अगर आप 4 सदस्य भी गिने तो इसका मतलब 15 साल जब राहुल गांधी सांसद थे तो क्षेत्र में 16 लाख लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर थे। यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी वो जानती हैं खुले में शौच करते वक्त कितना अपमान सहना पड़ता है, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है और कितनी बीमारियां सहनी पड़ती है। जब 15 साल राहुल गांधी यहां से सांसद रहे तब क्यों उन्होंने गरीब के लिए ना घर बनवाया ना शौचालय बनाया? उन्होंने सत्ता हासिल की और 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने आपको क्षेत्र में सेवा दी, ये फर्क आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने आए। इन 5 सालों में आपने सिर्फ 5 साल दिए, जिसमें से 2 साल कोरोना में बीत गए, मतलब मेरे पास धरातल पर काम करने के लिए सिर्फ 3 साल थे। सही कह रही हूँ, मेरे पास 3 साल थे और मैंने 30 साल के इंतजार को खत्म किया और अमेठी विधानसभा में बाईपास बनवाया। 5 साल में सांसद रही जिसमें से 2 साल कोरोना रहा, लेकिन 3 साल मैंने जगदीशपुर से लेकर हलियापुर तक चमचमाती हुई सड़कें बनवाई। बनवाई कि नहीं बनवाई? 5 साल आपने सांसद बनाए लेकिन 2 साल कोरोना रहा, लेकिन 3 साल में हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र में 262 गांव में पहली बार पक्की सड़क मोदी के सहयोग से बनवाई। 5 साल सांसद बनाया जिसमें से 2 साल कोरोना रहा, मतलब 3 साल काम करने का मौका मिला, और हमने 3,50,000 घरों में नल से जल लिया
ये हमारा रिकॉर्ड है। प्रश्न ये उठता है 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा, 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान ना बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय ना बनवा पाते 15 साल? अगर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी चाहते तो क्या गरीब के घर में नलका ना दे पाते? आप में से कितने लोगों को मोदी की सरकार में कोरोना के समय से लेकर अब तक मुफ्त का राशन मिल रहा है? मिल रहा है? अब ये बतलाइए, अगर क्षेत्र में कांग्रेस का सांसद होता तो क्या गरीब को मुफ्त का राशन पहुंचता या कांग्रेस के दलाल खा जाते?